हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपका फेस वॉश जो आप यूज़ कर रहे हो अभी, वो सही यूज़ कर रहे हो या गलत। हम सब स्किन केयर की इन सारी बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, पर ये सारी चीज़ें हमारे स्किन को बेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेस वॉश जो है वो हमारे स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए, उसमें जो इन्ग्रीडियंट्स है वो हमारे स्किन टाइप को सूट करना चाहिए, और फेस वॉश का जो पर्पस है, जो हमारे फेस को क्लीन करना है, मेकअप डर्ट पोल्यूशन को अपने फेस से हटाना है, वो सॉल्व करना चाहिए। तो ये तीन बेसिक पर्पस है एक फेस वॉश का। आपके फेस का जो पोर्स है वो क्लॉग ना करे आपका फेस वॉश, आपके फेस को बिना ड्राई बनाए या फिर बिना क्रीसी या फिर ऑयली बनाए फेस वॉश अपना काम कर दे। तो अगर आप सही फेस वॉश यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप सही फेस वॉश या क्लींजर यूज नहीं कर रहे हो तो आप ही के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना और सबके साथ शेयर जरूर करना। तो पहला पॉइंट है, स्किन टाइप की तरह फेस वॉश का भी एक टाइप होता है। टाइप्स ऑफ डिफरेंट फेस वॉश, पहला है क्रीम बेस्ड फेस वॉश, ऑयल बेस्ड फेस वॉश, जेल बेस्ड फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश और माइसलर वाटर। तो ये पांच टाइप है फेस वॉश के। अभी जान लेते हैं कौन से टाइप का फेस वॉश हम कौन से टाइप के स्किन के लिए यूज करेंगे। ऑयल बेस्ड जो फेस वॉश होता है वो ड्राई, सेंसिटिव और एजिंग स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो आपके स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करने के साथ साथ आपकी स्किन से डर्ट पोल्यूशन एंड ऑयल को हटाता है, और ड्राई, सेंसिटिव और एजिंग स्किन को एक मिनिमम पीएच बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है ताकि उनका स्किन और ज्यादा ड्राई और फ्लेकी ना बने। इसलिए ऑयल बेस्ड फेस वॉश ड्राई, सेंसिटिव और एजिंग या फिर मैच्योर स्किन के लिए काफी अच्छा है। अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन या फिर एक्ने प्रोन है, आपको ऑयल फेस वॉश या फिर क्लींजर कभी भी यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को और भी ज्यादा ऑयली बना देगा, जिससे कि आपके स्किन में पिंपल होने के चांसेस बढ़ जाती है। सेकेंड है क्रीम बेस्ड फेस वॉश। क्रीम बेस्ड जो फेस वॉश होता है उसमें क्रीमी फॉर्मूला होता है, इसीलिए ये भी काफी अच्छा है ड्राई, सेंसिटिव और एजिंग या फिर मैच्योर स्किन के लिए। इन फेस वॉश में जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली आर्गन ऑयल या फिर शिया या कोको वाटर, जो हमारे स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद द क्लींजर। तो इसीलिए ये हमारे स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसको बैलेंस करता है, और हमारे स्किन को एक्सेसिव ड्राई बनाए बगैर, या फिर अगर आपके स्किन सेंसिटिव है फिर उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको डिसबैलेंस किए बगैर आपके फेस को एक बहुत ही क्लीन इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है जेल बेस्ड फेस वॉश। इस टाइप का फेस वॉश काफी अच्छा है अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन या फिर एक्ने प्रोन है। अगर आपके फेस में ऑयल या सीबम सीक्रेशन या प्रोडक्शन ज्यादा होता है, आपके लिए जेल बेस्ड फेस वॉश बेस्ट है, क्योंकि ये आपके स्किन को क्लीन करेगा, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा और आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को हटा के आपको एक फ्रेश लुक देगा। इन फेस वॉश में बेसिकली टी ट्री ऑयल मौजूद होता है, ग्लाइकोलिक या सैलिसिलिक एसिड मौजूद होता है, जो इसको एक थिक जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी देता है। इसकी वजह से ये आपके फेस में एज ए एंटी बैक्टीरियल काम करता है, और आपके फेस में जो पिंपल या फिर बैक्टीरिया जर्म्स की प्रॉब्लम सताती है उसको हटाएगा, आपके फेस को क्लीन बनाएगा। फोर्थ है फोमिंग फेस वॉश। ये फेस वॉश बेस्ट है एक्ने प्रोन कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन टाइप के लिए। इस फेस वॉश को जब आप अप्लाई करते हो तो एक फोम इफेक्ट आता है, जिससे कि बहुत अच्छा एक लेदर आपके फेस पे होता है, और उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो, और आप फील कर सकते हो कि आपके फेस से जो भी एक्सेस ऑयल, सीबम या फिर पिंपल की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि इनमें जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होता है, टी ट्री ऑयल, सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड मोस्टली मौजूद होता है, जो हमारे स्किन में जो एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर एक्सेस ऑयल सीक्रेशन होता है उसको कम डाउन करता है, रिड्यूस करता है, और हमारे स्किन को अंदर से बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई या मैच्योर्ड है तो आप फोमिंग फेस वॉश को हमेशा अवॉइड कीजिए, वरना वो आपके फेस को और भी ज्यादा ड्राई बना देगा। और लास्ट वाला है माइसलर वाटर क्लींजर। तो ये जो क्लींजर है ये बेसिकली सारे स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, पर इसको यूज करने के बाद आपको एक और बार अपने फेस को वॉश करना जरूरी है, स्पेशली अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन ऑयली या फिर एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है, तो आपको डबल क्लींजिंग मेथड को यूज करना चाहिए। तो एक बार आपने सारा मेकअप डर्ट और डस्ट को माइसलर वाटर से हटा दिया, जो कि बेस्ट है वाटरप्रूफ मेकअप को हटाने के लिए, उसके बाद आपको कोई भी आपके स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश पिक करके उससे अपने फेस को क्लींस करना होगा, ताकि उसके अंदर कोई भी जर्म, डर्ट या फिर मेकअप ना रहे और आपको मिलेगा एक फ्रेश क्लीन फेस। तो जब भी आप हेवी मेकअप या फिर वाटरप्रूफ मेकअप करते हो तो उसके बाद आपको पता है माइसलर वाटर यूज करना है। ये तो थे पांच डिफरेंट टाइप के फेस वॉश जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, बट इसी के साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी दो डिफरेंट फेस वॉश जो आपके घर में इजीली मिल जाएगा। तो पहला है मिल्क
यानी कच्चा दूध हम सबके घर में मिल्क मौजूद होता है। मैं से बहुत जन उसे क्लींजिंग के लिए भी यूज करते हैं। गया ना ये क्लींजिंग मिल्क, तो जिनकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है या फिर एजेड या मेच्योर्ड है, वो लोग जरूर यूज कीजिए घर में रखा हुआ कच्चा दूध यानी मिल्क एज ए क्लींजर। और मिल्क को हर रोज यूज करने से हमारी स्किन जो है ब्राइट बन जाती है और टैनिंग की प्रॉब्लम हट जाती है हमारी स्किन से और एक अलग सा ग्लो तो ऐड हो जाता है। सेकेंड टाइप का जो घर में अवेलेबल फेस वॉश है वो है बेसन। तो अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन या एक्ने प्रोन है तो आप बेसन जरूर यूज कर सकते हो, पर बहुत जनों को बेसन से प्रॉब्लम होता है तो वो लोग बेसन की जगह आटा या मैदा भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्लींजर अवेलेबल है। अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो आप एक प्लास्टिक के कंटेनर में बेसन को कैरी कर सकते हो आपके वर्क प्लेस में और वहां पे जाके यूज कर सकते हो थोड़े से पानी के साथ मिला के, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। और बेसन आटा मैदा ये केमिकल फ्री होता है, इसीलिए ये बहुत ही माइल्डली आपके फेस को क्लीन कर देता है। तो देखा आपके घर में कितनी इजीली मौजूद है ये इकोनॉमिकल यानी बहुत ही सस्ते दो फेस वॉश। अपने स्किन टाइप के हिसाब से सिर्फ आपको यूज करना होगा। इसी के साथ मैं कुछ चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगी, वो ये है जब भी आप एक फेस वॉश खरीदा है आप अपने स्किन टाइप का ही क्यों ना खरीद रहे हो, पर खरीदने से पहले आप जरूर इंग्रेडिएंट्स चेक कर लीजिएगा। वहां पे लिखा होगा नॉन कॉमेडोजेनिक या फिर नॉन एलर्जी या फिर नॉन एक्नीजेनिक फेस वॉश, ये तीन चीजें वहां पे अगर लिखी हुई है तो बेस्ट फेस वॉश है किसी भी स्किन टाइप के लिए। अकॉर्डिंगली योर स्किन टाइप आपको चूज करना होगा ऑब्वियसली। इसके साथ आपको चेक करना होगा कि उस फेस वॉश में पैराबेन या फिर SLS जो कि है सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये सारी चीजें मौजूद ना हो कि वो फेस वॉश आपकी स्किन में वो परफेक्ट रिजल्ट दिखाएगा। फेस वॉश को कैसे यूज करना है और कितनी बार यूज करना है दिन में, ये आपको मैं बता देती हूँ। आपको दिन में सिर्फ दो बार फेस वॉश को यूज करना है, और जब भी आप फेस वॉश को यूज करो उससे पहले अपने हाथ को जरूर धो लेना क्योंकि हमारे हाथ में जर्म्स एंड डर्ट मौजूद है। के बाद अपने फेस पे पहले पानी छिड़किए और अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप थोड़ा सा फेस वॉश अपने हाथों में ले लीजिए और उसको अपने हाथ में पहले लेदर बनाइए यानी आपके हाथ में ऐसे फैला के लेदर फॉर्म करके फिर अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन पे अप्लाई कीजिए और 30 से 50 सेकेंड्स तक अपने फेस में फेस वॉश को अप्लाई करके आप मसाज कीजिए ताकि आपके फेस के अंदर जो भी मेकअप डर्ट ऑयल जो भी कुछ है वो सारे जर्म्स निकल आएंगे। उसके बाद प्लेन वाटर या फिर लूक वार्म वाटर यानी गुनगुने गर्म पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप गर्म पानी ना यूज करो अपने फेस को वॉश करने के लिए। आपके फेस से जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हटा लेता है और आपके फेस में एजिंग की जो साइन है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज जब भी आप फेस वॉश करो इमीडिएटली उसके बाद आपके फेस में एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना मत भूलिएगा। आपका स्किन जिस भी टाइप का हो मॉइस्चराइजर आपको यूज ना ही है, चाहे आपकी एक्नी प्रोन या फिर ऑयली स्किन ही क्यों ना है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। रहा है तो इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले और उनका भी हेल्प हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और जो छोटू बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप आगे से मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस को मिस ना करो। और मुझे आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर स्नैपचैट पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मैं दे दूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।